वेलकम टू ऑल स्मार्ट क्लास एंडरिटेज एंड वी है वेरी गुड पजल वी विल लर्न द एप्रोज ऑफ दिस काइंड ऑफ टिपिकल पजल सो आप लोगों के सामने ये जो पजल है आप इसका फोटो ले सकते हैं और एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए ठीक है उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे और आप चेक करेंगे ऐसा कौन सा पॉइंट जो है यहां से सॉल्व किया जाने से जाने के बाद आपको वो पता चला नया सो एप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पजल बिकॉज विद इन दैट टाइम वी पजल इफेक्टिवली सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एप्रोस क्या है सो so, चलते हैं ये है कंप्लीट पजल यहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको दो आ, पार्ट में डिवाइड कर लिया नेक्स्ट स्लाइड में सो so आप इसका पूरा का पूरा जो पिक्चर है इसको ले सकते हैं और एक बार आपसे ट्राई कर सकते हैं चलिए इसको सॉल्व करते हैं हियर इट इज़ द फास्ट सेशन फास्ट पार्ट ऑफ दिस पजल एंड टोटल पॉइंट वाज़ सेवन आई थिंक सेवन बट हियर इट इज वी हैव हाउ मेनी हाउ मनी पॉइंट आर देयर लेट्स चेक हाउ मेनी पॉइंट

सो so, इसको आप बोल सकते हैं थ्री डी पजल आप बोल सकते हैं जो कि एक एग्जाम के प्रेशर को लेके अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये काफी डिफिकल्ट पजल ही बोला जाएगा लेकिन डिफिकल्ट पजल अगर आप प्रैक्टिस में सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम का जो प्रेशर है इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसका जो पोजिशनिंग है उसको मैप कर लेंगे देर आर हाउ मेनी पर्सन देर आर एट आई एम टेकिंग एट पोजिशन आर देर here it is we have and that has given towards or away from the center that is not even confirmed the direction is unclear and one of the flavor has given strawberry that has to be remembered right next very fast condition is h neighbors face same direction but opposite to that of h what does it mean how many persons are there? Immediate neighbors of H. Any of the person, if all of the persons are occupied in case of any circular arrangement, we can say there are minimum and maximum. Two persons should be there. But in case of row lines, minimum person should be immediate neighbor is one, maximum it may be two. If the person is in edge in the very extreme point, then uh, there, there must be one immediate neighbor but in case of other than those extreme uh, end point, we have two so, but in case of circular arrangement we can say there are definitely two immediate neighbors of course h has also two immediate neighbors h neighbors face same direction but opposite to that of h what does it mean i can say this is only raw work h immediate neighbors same direction बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ एच ये थोड़ा सा मैं रॉफ वर्क कर लिया क्योंकि इसके बाद का जो स्लाइड है वो इस पॉइंट में यह पॉइंट नहीं रहेगा उसमें इसलिए मैं थोड़ा सा रॉफ वर्क किया जी सीड्स थू दू फेस टूअर्ड्सेंटर इन पॉइंट नंबर टू वी कैन प्रोसीड दिस इज ईम टेकिंग इन साइड हेज गि राइट देन जी सी टू दफकोर्स जी ओवर ईयर नो प्रॉब्लम Then has given D spouse who likes chocolate flavor sits third to the left of D. So here it is some rough work only. So D spouse has given spouse means the gender of the person has not even cleared. But this person D spouse has given who likes chocolate flavor. We can add chocolate over here. Sits third to the left of D. So this person is third to the left of D. I have mentioned this data over here is the only reason. That we cannot put D directly in the arrangement as because of there is no relation literally. Okay. Then number 4. C sits third to the right of a male and they face same direction. C sits third to the right of a male member and they both faces same direction. Next. B's immediate numbers face same direction but, but opposite to that of B. यहाँ पे एच के लिए लिखा गया है दूसरा एक डाटा जो है वो बी के लिए है हम यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर सकते हैं क्योंकि वही एक्शन सिर्फ जो पर्सन का नेम है वो चेंज हो गया है जो यहाँ पे एच था वही एक्शन यहाँ पे बी के लिए क्वालिफाई कर रहा है ठीक है और यहां तक हम पांच नंबर तक जो इंफॉर्मेशन है आइदर उसको हमने इस अरेंजमेंट में ऐड किया अदरवाइज आई हैव दिस थिंग्स इन दिस रॉ वर्क री इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू रिट्राइव ऑल द डाटा सिस्टमेटिकली इन रॉफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ओवर देयर फॉर पजन अगर एक भी डाटा आप गलत यहां से रिट्राइव करके रॉफ और कर हैं, एक भी गलत वो एग्जाम का जो प्रेशर रहता है उसमें और एक बार वापस आके उसको सही करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है सो नेक्स्ट लाइड में चलते हैं और, और क्या क्या बचा है उसको भी हम एड कर लेंगे इसमें ए हू लाइक्स ब्लैक करेंट नहीं

A who likes black currant flavor sits second to the left of D. A who likes black currant flavor. Black currant flavor sits second to the left of D. ये second left है और वो दोनों same direction face करेंगे same direction. देखिए कितना लेंदी हो जा रहा है puzzle. The immediate नेबर्स of C like vanilla, एंड मलबरी फ्लेवर्स ये देखिए vanilla और यहां पे हम C ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि इसका तो दो नेबर रहेंगे एक तो वैनिला रहेंगे दूसरा जो है वो मलबरी रहेंगे इसको लिखने से क्या फायदा है क्योंकि सी जब हम कंसिडर करेंगे तब वेनिला और मलबरी उसके साथ ही आना चाहिए दिमाग में तो अगर हम सी को दूसरे जगह कहीं पर लिखेंगे तो फिर दिक्कत है इसको कनेक्ट करने के लिए जो भी कनेक्टिविटी बन रहा है आसपास लिखने से इजी रहता है ठीक है नंबर आई एक्स बी एफ सीट टुगेदर एंड नॉन ऑफ दिट्स ए

इस अरेंजमेंट में आड कर सकते हैं क्योंकि जी आ गया है यहां पे आप देख सकते हैं दिया गया है जी स्पाउस हुइक्स फ्रूटनट फ्लेवर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी व्हाट डज इट मीन इसको हम करेंगे आउटसाइड एक तो ये आउटसाइड हो सकता है और दूसरा एक चांसेस हम ले लेंगे वही ई इनसाइड और यहां पे है जी और यहां पे जी को इनसाइड ले लिए हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जी में भी आउटसाइड जी में भी इन साइड राइट जिस फाउस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी नेक्स्ट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओनली सिस्टर हु इज नाइदर सी नॉर ई आर ए एंड डी क्या लिखा गया है एच का जो ओनली सिस्टर होंगे एच ओनली सिस्टर ये रहेंगे ऑफ कोर्स वो फीमेल रहेंगे द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए इट्स ओनली सिस्टर हु इज नाइदर सी नॉर ई ये जो सिस्टर है वो सी और ई e नहीं रहेंगे ये नेगेटिव लाइन चल रहा है नहीं होंगे इमीडिएट नेबर्स ऑफ होम ए डी इनके जो आसपास रहेंगे वो ए और डी ए और डी रहेंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना जरूरी है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच ओनली सिस्टर एच का जो ओनली सिस्टर है वो इस बॉक्स में आ जाएंगे वो बॉक्स में सी ई नहीं आएंगे क्योंकि लिखा गया है नेगेटिव सी ई नहीं होंगे और ए डी जो है उन दोनों का उनका जो एच ओनली सिस्टर है उनका वो इमीडिएट नेबर्स रहेंगे यहां पे आप बोल सकते हैं इस बॉक्स में भी ए डी नहीं आ सकते हैं ए डी भी नेगेटिव लिस्ट में है और एच भी नेगेटिव लिस्ट में है क्योंकि एच का सिस्टर जो है वो एच नहीं हो सकता है यहां पे हम पांच जन को ऐसे ही नेगेटिव कर चुके हैं इस बॉक्स में वो नहीं आ सकते हैं इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से एच ओनली सिस्टर के नॉट बी आ, एच डी ए, ए सी ओके बी हुइक्स बटर स्कॉच फ्लेवर इज द ओनली वन हुस बोर्ड द इमीडिएट ने उप टू बी यहां पे आप देख सकते हैं ये जो सारे लिखा गया है ये डिरेक्शन के लिए लिखा गया है और एक डाटा बी के लिए आ रहा है वही एक्शन लेकिन वो जेंडर के लिए बोला गया है जेंडर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट में रहेंगे नहीं ऑपोजिट नहीं ऑपोजिट जेंडर टू बी रहेंगे और जो इमीडिएट नेबर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे वही लिखा गया है बी हुइस बटर स्कॉच इसको हम ऐड कर दे रहे हैं बी इज बटर स्कॉच B is butterscotch flavor is the only one whose both the immediate neighbors are of ये word भी important है Neighbors are of opposite gender to B. जैसे हम बोल रहे थे यहां पर अगर B होगा तो फिर ये अगर plus हुआ तो फिर ये plus होना चाहिए यह minus हो जाएगा Reverse is also satisfied. ये अगर minus होगा तो फिर यह minus है यह plus हो जाएगा कुल मिला के सारे जो पॉइंट्स है हम यहां पे रख चुके हैं हमको सिर्फ मूवमेंट करना बाकी है यहां पे जो सारे काम हुआ है उसमें ज्यादा दिमाग यूज नहीं हुआ है दिस इज ओनली रिट्राइव ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पज़ल फ्रॉम द गिवन कंडीशन राइट सो यहां पे देखिए क्या दिया गया है इसमें आप ये डाटा को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा क्या बोला जा रहा है बी एफ आसपास रहेंगे लेकिन ए डी के आसपास नहीं रहेंगे ठीक है तो फिर यहां पे ये जो नेगेटिव लिस्ट चल रहा है इसमें बी एफ भी कैंसल है आई रिपीट बी एफ इज ऑल्सो कैंसल बिकॉज ये दोनों जो इमीडिएट नेबर्स रहेंगे वो दोनों ए डी रहेंगे और ये बोला जा रहा है बी एफ ए डी के करीब नहीं रहेंगे इसका मतलब इस बॉक्स में बी एफ कभी नहीं हो सकता है तो ये कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि इस बॉक्स में से कैंसिल हो चुके हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसका मतलब इसमें जो बचे हैं वो है जी यहां पे बड़ा ही टेक्निकली ये दिया गया है जी ही वो व्यक्ति है जो एच का सिस्टर है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है वो इनडायरेक्टली दिया गया है एंड पजल इज नथिंग बट टू गिव द इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दिस इज माइनस दिस इज माइनस बिकॉज दिस पर्सन इज एट्स ओनली सिस्टर एट्स ओनली सिस्टर इज नॉन अदर देन एट्स ओनली सिस्टर इज नॉन अदर देन जी और इसके आसपास कौन रहेंगे ए और डी ए और डी आई एम टेकिंग टू पॉसिबिलिटीज ए और डी अब देख सकते हैं यहां तक हम आ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद सोचिए क्या है ये डाटा हमने क्वालिफाई कर लिए हैं ठीक है अब बी एफ का जो मसला है वो कुछ इस प्रकार है बी एफ ए डी के पास नहीं रहेंगे अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए थोड़ा सा चाहिए सिर्फ ज्यादा नहीं चाहिए ये पूरा चक्कर अगर लगाएंगे ना तो फिर ऐसा कौन सा यहां पे स्पेस नहीं बचा है जो कि बी एफ के लिए बचे हैं क्योंकि हर वो जगह बी एफ के लिए नेगेटिव है एक्सेप्ट दिस टू क्योंकि यहां पे भी नहीं हो सकता है क्योंकि बी एफ जो है वो ए डी के पास नहीं हो सकता है तो फिर हम बी एफ को सिर्फ इसी जगह में प्लेस कर सकते हैं उसी प्रकार फ्रेंड्स इसको भी हम यहां तक ले आएंगे वो नेगेटिव है और फिर जो बचा वो कुछ इस प्लेस में बच जाएंगे वो बी एफ सीट टूगेदर of ऑफ sits विथ ए और डी अच्छा ये जो डाटा है जैसे कि हमने जी का जो इनसाइड आउटसाइड जो दिया गया था अब ध्यान दीजिए ये जो डाटा था जीस फ्लेवर हुई सेकेंड टू तो द लेफ्ट ऑफ जी डायरेक्शन देने के बाद इसको सॉल्व कर देना चाहिए था क्योंकि जितना जल्दी ये ऑक्यूपाई हो जाएगा वो पजल उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये सेकेंड टू तो द लेफ्ट दिया गया है आप देख सकते हैं जीस पाउस हुई फ्रूटनट फ्लेवर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी सेकेंड टू द ऑफ जी इज जीस पाउस वो इसी जगह में आएंगे और ये फ्रूटनट हो जाएंगे यहां पे भी वही हाल है ये जगह जो है वो जीस पाउस के लिए चला जाएगा और ये हो जाएगा जीस पाउस कब हो जाएगा फ्रूटनट सो so, उसके बाद सोचिए हमारे पास जो पर्सन बचे हैं वो कुछ इस प्रकार बचे हैं ए बी सी डी ई सी नहीं आया है अभी तक सो so, सी बचा है और उसके साथ आप देख सकते हैं एच भी बचा है तो ये दोनों का प्लेस इस, इस जगह में जो हम देख पा रहे हैं ये दोनों का जो प्लेस है वो सी एच का है यहां पे सी हो सकता है यहां पे हो सकता है यहां पे सी हो सकता है यहां पे भी सी हो सकता है हम सी को टारगेट इसीलिए लिए हैं क्योंकि सी का जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो अभी तक ब्लैंक है मतलब यहां पे ब्लैंक चल रहा है कोई भी स्नैक्स वगैरह जो आइसक्रीम वगैरह दिया गया है वो भी नहीं है और सी के साथ दूसरा कनेक्टिविटी भी बन रहा है लेकिन ये दो जगह ओपन है सी के लिए इसलिए सी से ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम डी को पे कंसीडर करेंगे क्योंकि डी अभी आ चुका है मैक्सिमम पोजीशन डी का आ चुका है और डी के सहित दो ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं तो ध्यान दीजिए ये क्या चल रहा है इसमें अगर यहां पे हम डी लिखेंगे थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो फिर इजिली समझ जाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत है इसको समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूं अगर डी इस जगह में हम ले लेंगे और डी का पोजिशन अगर ये जगह हुआ तो फिर वो आउटसाइड नहीं हो सकता बिकॉज ई डी विल बी आउटसाइड देन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी यहां पे अगर डी को हम आउटसाइड लेंगे तो फिर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इट्स नॉट पॉसिबल यू कैन ऑल्सो से वॉट डी सेकेंड लेफ्ट ए के लिए नहीं आ सकता है क्योंकि आउटसाइड नहीं हो सकता इस जगह में दूसरा अगर इन हुआ तो फिर यह मूव कर सकता है क्योंकि सेकेंड लेफ्ट में ए चाहिए और थर्ड लेफ्ट में जगह फ्री चाहिए डी बैठाने के लिए अब तक वो सही है लेकिन प्रॉब्लम यह है डी यहां पे भी ओपन है अगर ये जगह में डी को हम दोनों तरफ से मतलब आउटसाइड इनसाइड दोनों तरफ से अगर कैंसिल कर देंगे तब यह जगह डी के लिए फिक्स हो जाएगा यहां पे डी है इनसाइड नहीं हो सकता है बिकॉज वी हैव टू प्लेस ए ओवर इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ डी इफ डी विल बी आउटसाइड थिंक अबाउट इट इफ डी विल बी आउटसाइड आउट तक सही है सेकेंड लेफ्ट शुड बी ए इट्स ओके नो प्रॉब्लम बट थिंक अबाउट इट डीज थर्ड लेफ्ट शुड बी शुडस अगर ये आउटसाइड हुआ वन टू थर्ड लेफ्ट डी स्पाउस नहीं हो सकता है क्योंकि डी स्पाउस का जो है वो चॉकलेट है और ये फ्रूटनट है और डी स्पाउस जी स्पाउस कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा तो इस जगह में ना हम ए को रखे हैं और डी को किए कैंसल कुल मिला के बात यह है यहां से डी कैंसल हो जाएगा और जो बचा है वो है ए उसी प्रकार अगर ये डी हुआ तो फिर हम यहां से डी को ले लेंगे और डी को इनसाइड ले लेंगे क्योंकि आउटसाइड तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा तो हम इस पजल को मूव करा रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो फिर यहां से मूव करेंगे दो पॉसिबिलिटीज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है पेशेंस बराबर मेंटेन होना चाहिए और ये डी सेकेंड लेफ्ट में क्या है डी सेकेंड लेफ्ट में ए ब्लैक करेंट है ये ब्लैक करेंट हमने यहां पर लिख लिए है और ये क्लियर लिखा गया है दोनों का डिरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए तो फिर ये जो है वो इनसाइड हुआ है अगर वो इनसाइड हुआ है तो फिर ए भी इनसाइड हो जाएंगे और डी से थर्ड लेफ्ट डी स्पाउस होना जरूरी है और ये थर्ड लेफ्ट हो जाएगा ये डी स्पाउस हो जाएंगे और ये आपका हो जाएंगे चॉकलेट फिर ये जो पर्सन है वो डिपेंड करता है ई का डी का जेंडर और जो भी है वो डिपेंड करता है हम जो पॉइंट छोड़ के आ गए थे ना वो पॉइंट ये है सी और एच के बारे में जो डाटा दिया गया था आप यहां पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो देख सकते हैं जी का दोनों तरफ का जो आइसक्रीम के लिए जो जगह है वो फ्री होना चाहिए क्योंकि ये दोनों नए हैं वैनिला मलबरी ये दोनों नए हैं अगर यहां पे हम सी डालेंगे तो फिर वैनिला मलबरी यहां पे ब्लैक करेंट ऑलरेडी प्लेस्ड है दैट्स दैट वी कैन नॉट प्लेस एनी ऑफ द आइटम दैट इज वैनिला मलबरी सो दिस पोजिशन इज रूल्ड आउट फ्रॉम सी दिस इज कंफर्म सी अगर इसको हम सी लेंगे तो यहां पे वैनिला अगर लेंगे तो फिर वैनिला के फ्रंट में हमको रेड वेलबेट चाहिए था जो कि नहीं हो सकता है। इस जगह में वैनिला नहीं हो सकता है तो वैनिला जो है वो हो जाएगा आपका यहां पे। वैनिला वेनिला जो लेंगे वो माइनस रहेंगे सो फिर ये जो जेंडर है डी का वो माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस और ये अगर सी गया है ये एच हो जाएगा डेफिनेटली क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही बचे थे। अगर ये एच हो जाएगा और ये सी हो जाएगा सी का जो डाटा बचे हैं उसको भी ऐड कर लीजिए वेनिला के फ्रंट में आपका आ जाएगा रेड वेलबेट मतलब यहां पे आपका रेड वेलबेट जाएगा और रेड वेलबेट जो है वो प्लस जाएंगे लिखा गया है ये अगर वेनिला हुआ तो फिर उसके साइड में मलबरी आ जाएंगे बात यहां पे ये यह है अगर रेड वेल्बेट इस जगह में कंफर्म हुआ है तो फिर बी यहां पे नहीं रह सकता है क्योंकि बी का जो डाटा दिया है वो दिया गया है बी इज बटर स्कॉच सो बी कैन नॉट बी रेड वेल्बेट बी इज बटर स्कॉच सो एफ बिकम्स रेड वेलबेट और बी जो है वो यहां पे कंफर्म हो जाएंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे बटर स्कॉच ये सारे इंफॉर्मेशन और एक बार एच का जो इमीडिएट नंबर्स हैं वो सेम डेक्शन रहेंगे इसका मतलब एच यहां पे है सेम डिरेक्शन मतलब ये जो है वो इनसाइड रहेंगे और अपोजिट टू दैट ऑफ एच ये एच जो है वह खुद में आउटसाइड हो जाएंगे बी के लिए दो इंफॉर्मेशन दिया गया था एक तो दोनों तरफ का जो दोनों तरफ से जो इमिरेट नेबर्स आएंगे वो आपका सेम डिरेक्शन रहेंगे ऑपोजिट टू दैट ऑफ बी तो ये आ जाएगा आउटसाइड फिर जेंडर के लिए भी वही दिया गया मतलब ये अगर हुआ प्लस तो ये भी हो जाएंगे प्लस B खुद में माइनस हो जाएंगे और जो डाटा बचा है उसको थोड़ा देख लेंगे पजल अभी क्लाइमैक्स पार्ट में है लेकिन ये अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है ये भी कैंसिल नहीं हुआ है कुल मिला के हमको मूव करना है वन ऑफ एनी मेल मेंबर थर्ड राइट इज सी ये एक मेल मेंबर है और ये जैसे आप देख पा रहे हैं यह इनसाइड है तो थर्ड लेफ्ट या फिर थर्ड राइट दिया गया है ये राइट दिया गया है तो फिर इसके राइट में सी ये नहीं आ सकता है टू मेक प्लस ए एस प्लस दिस डाटा इज वैलिड कोई भी एक मेल मेंबर का थर्ड राइट में सी है और दोनों का डिरेक्शन इक्वल होना जरूरी है जैसे कि जी माइनस हो गया है जी का स्पाउस जो है वो प्लस हो जाएंगे D और डी स्पाउस आप देख पा रहे हैं, ये भी प्लस हो गया है क्योंकि D माइनस है अब हर वो जगह अपना स्नैक्स ये स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे स्नैक्स और ब्लड रिलेशन और चॉइस और डायरेक्शन, ये सब क्लियर होना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पे आ गया है B बटर आउटसाइड माइनस E प्लस इनसाइड मलबरी सी फ्रूटनट इनसाइड प्लस डी इनसाइड माइनस वेनिला जी आउटसाइड माइनस स्ट्रॉबेरी ए प्लस इनसाइड ब्लैक करेंट डी डी स्पाउस दिस एच आउटसाइड चॉकलेट और बी दिस इज नॉट बी एफ रेड वेलबेट इन साइड प्लस अब इसको थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और चेक करेंगे ये कहां पर कैंसिल हो रहा है क्योंकि यह आंसर हो चुका है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैंसिल होगा जिस तरह से मूव किए थे हम वही चीज और एक बार अब देखिए यहां पे डी अगर इनसाइड हुआ तो फिर सेकेंड लेफ्ट में ए ब्लैक नहीं आ सकता इसका मतलब ये आउटसाइड हो सकता है लेकिन अगर आउटसाइड होगा तो फिर आउटसाइड में दिया गया है थर्ड लेफ्ट में चॉकलेट और डी स्पाउस और ये थर्ड लेफ्ट में आने का चांसेस है लेकिन अगर यहां पे हम आड कर ये थर्ड लेफ्ट अगर ये आउटसाइड हुआ तो फिर लेफ्ट में ए नहीं आ सकता है ना ये नहीं आ सकता है ये आउटसाइड नहीं होगा और इनसाइड भी नहीं हो सकता है क्योंकि थर्ड लेफ्ट में चॉकलेट आना चाहिए जो कि नट ऑलरेडी है तो फिर ये कैंसिल हो चुका है ये कैंसिल हो चुका है और यहां पे बच गया है ए ये अगर ए है ये फिर डी हो जाएगा डेफिनेट अगर ये डी हुआ तो फिर डी का डिरेक्शन डेफिनेटली टू मेक सेकेंड लेफ्ट वी हैव हाँ टू मेक आउटसाइड साइड सेकेंड लेफ्ट है और थर्ड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट डी स्पाउस और ये आपका आ जाएगा चॉकलेट ये डी स्पाउस और ये चॉकलेट आ जाएगा चॉकलेट और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डी और ये हो जाएगा ब्लैक करंट ए का ब्लैक करंट दिया गया है यहां पे सी नहीं हो सकता है क्योंकि सी का जो इमीडिएट नेबर्स है वो चॉकलेट आना चाहिए मतलब आइसक्रीम जो भी स्नैक्स वगैरह दिया गया है वो दोनों ब्लैंक होना चाहिए यहां पे ब्लैक करंट आ गया है इसीलिए हम सी यहां पर एड नहीं कर सकते सो तो यहां पर आ जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका एच ब्लैक करेंट यहां पर अगर आएगा और ये अगर सी होगा तो फिर ये हम वैनिला नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वैनिला के फ्रंट में रेड वेलवेट होना चाहिए तो ये आपका आ जाएगा वैनिला और ये एक डाटा दिया गया था देखिए डी हुआ आउटसाइड डी सेकेंड लेफ्ट ए और दोनों का डिरेक्शन सेम होना चाहिए इसका मतलब डी से सेकेंड लेफ्ट ए तो आ गया है ए लेकिन आउटसाइड हो जाएंगे क्योंकि ये आउटसाइड है और ये आउटसाइड रहे यहां पे एच आड करने के बाद फास्ट वाला जो डाटा था मुझे याद आ रहा है एच का जो इमीडिएट नेबर होंगे वो सेम डिरेक्शन होना चाहिए था एच का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डिरेक्शन होना चाहिए था लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं ये इनसाइड है और ये आउटसाइड हो चुका है जबकि ये एक डाटा को कॉन्ट्राडिक्ट कर चुका तो यह आगे नहीं बढ़ सकता है यह गलत हो चुका है और ये आपका सही है मैं इसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए सिर्फ देने का जो मकसद था वो यह था आप एप्रो सीखें ये थोड़ा सा अगर लेट हुआ तब भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आपको लेकिन रॉफ रिड्राइव करने से दो फायदा है नंबर वन इस लेवल का पजल जो है यहां पर रॉफ अगर आप रिट्राइव करेंगे तो फिर दो फायदा है नंबर वन आप पजल के साथ उतना ही कंफर्टेबल जोन में आ रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे और पढ़ के उसको एक एक्सप्रेशन यहां पे दे देंगे ये जैसे कि एक एक्सप्रेशन में लिखा गया है पूरा लाइन और एक बार नहीं लिखा जा रहा है तो इसमें आपका ना ग्रीप बन रहा है ये आपको थोड़ा सा दो तीन मिनट आपको ज्यादा लेगा जरूर हम एक, मतलब ये एग्री करते हैं इट्स एज एक्सपेक्टेड नो प्रॉब्लम लेकिन जो आंसर आएगा वो आपको एक्यूरेसी परसेंटेज ज्यादा देगा और आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा यू कैन नॉट क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ ऑफिसर्स लेवल एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एग्जाम क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन यू कैन नॉट क्वालिफाई बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया लेकिन एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है वो पता नहीं है लेकिन ये दिक्कत है ये एग्जाम क्रैक करने का जो तरीका है वो नहीं है ओनली यू कैन क्वालिफाई एनी ऑफिसर्स लेवल एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको यह पजल सॉल्व करने के लिए सात से आठ मिनट लगेगा अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन अगर हम इस टाइम को रिड्यूस करेंगे तो फिर हमको पांच मिनट मान लीजिए हम पांच मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर स्पीड चलेगा तो फिर पजल में गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है तो यहां पे चांसेस ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है डिसाइड आपको करना है ठीक है दैट्स ऑल फ्रॉम टू क्लास थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे